वेलकम 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 गाइस वेलकम बैक टू यू ओन चैनल ऑप्शंस गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केस वीडियो में सो so, कल है हमारी वीकली एक्सपायरी बात करेंगे कैसी एक्सपायरी देखने को मिल सकती है क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और कैसे आप ट्रेड्स बना सकते हैं बहुत ही वॉलेटाइल काइंड ऑफ मार्केट देखने को मिल रही है एंड ऑप्शंस में करंटली प्रॉफिट बना पाना बहुत ही मुश्किल है अगर आप ओवरऑल देखेंगे अगर मैं आपको एनएससी वेबसाइट के थ्रू दिखाऊं अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट में आपको दोनों साइड ही लॉस हो रहा था अगर आपने पोजीशंस को कैरी किया था अगर आप पहले से पोजीशंस होल्ड कर रहे थे तो हमें आज सिर्फ प्रीमियम डिके देखने को मिला है ओवरऑल काफी डिसेंट फॉल हुआ है मार्केट में मोर देन वन परसेंट का फॉल हमें निफ्टी में देखने को मिला है लेकिन आप ऑप्शंस के प्राइजेस देखिए पुट साइड भी हमें नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं पुट्स की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है और कॉल की बात तो आप भूल ही जाए क्योंकि नेगेटिव मार्केट थी तो कॉल के प्राइजेस तो गिरने ही थे नेगेटिव यहाँ देखना ही था हमें प्राइजेस को तो बहुत ज़्यादा डिक्के दोनों ही साइड हमें देखने को मिला है तो इसलिए करंटली पोजीशंस होल्ड करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि बहुत विक्स हाई लेवल्स पे तो प्रीमियम्स वैसे ही बहुत आए हैं एंड बहुत फास्ट हमें फिर प्रीमियम डिक्के भी देखने को मिल रहा है ऑप्शंस में करंटली प्रॉफिट बना पाना इतना इजी नहीं है एक्जैक्टली exactly, आपको राइट right पॉइंट पे एंट्री करनी पड़ती है और आपके साइड मूव आएगा तभी आप एक प्रॉफिट बना सकते हैं एंड कल क्या कोशिश करनी है कल कैसे ट्रेड्स बनाने आज की अगर बात करें ओवरऑल तो फिर से हमने आपको एक ही चीज़ कहा था आपको इंट्राडे ट्रेड्स कैसे करने बहुत सिंपली हमने आपको एक ही चीज़ बताई थी आज फिर से उसने आपको गज़ब से ट्रेड्स दिए आप ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट में फिर आपको अच्छे ट्रेड्स मिले बहुत निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्जैक्टली exactly पॉइंट मिला आपको जहां से एंट्री बनानी थी और आप ट्रेड कैच कर सकते थे मैंने बहुत सिंपली आपको कहा हुआ है कि करंट मार्केट सिनेरियो में हमें सुपर ट्रेंड यूज़ करना ओवरऑल लेवल्स पर ट्रेड करना इतना ईजी नहीं होगा आपको सिंपली सुपर ट्रेंड यूज़ करना है राइट right एंट्री का वेट करना है आज देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं थे गैप डाउन ओपनिंग हुई मॉर्निंग में एसएल बहुत बड़ा था ये फॉल भी देखने को मिला लेकिन फिर भी हम एंट्री नहीं बनाते क्यों क्योंकि बहुत साब गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है एसएल बहुत बड़ा हो जाता है तो ये फॉल मॉर्निंग में जरूर कंटिन्यूस आया था लेकिन अगर हमें सेफ प्ले करना है तो हमें राइट right एंट्री का वेट करना था आप देखिए क्या होता है मार्केट में उसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ सुपर ट्रेंड ब्रेक हो रहा है लेकिन क्या हमारी लॉन्ग्स की एंट्री बनती है यहाँ पे नहीं बनती है क्यों नहीं बनती है क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल नहीं है तो अब गलत ट्रेड नहीं लोगे यहाँ बार बार मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड करना है आपको वरना आप टेम्पटेड रहेंगे ट्रेड लेने के इसीलिए तो लोग सुपर ट्रेंड में फंस जाते हैं वो फर्स्ट कैंडल में एंट्री बना देते हैं और फिर कहते हैं सुपर ट्रेंड वर्क नहीं कर रहा तो हमने बहुत सही तरीका आपको बताया हुआ है सुपर ट्रेंड पर कैसे ट्रेड करते हैं हमेशा किसी भी स्ट्रैटेजी में हम कन्फर्मेशन कैंडल पर ट्रेड करते हैं कन्फर्मेशन कैंडल नहीं बनी और फाइनली हमारे पास हमारा ट्रेड आता है डिप आता है मार्केट में आप देखिए मार्केट दिखा रही है ऐसा नहीं कि सडन अपमूव आ गया मार्केट दिखा रही है कि लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है होल्ड कर रही है इवन ग्रीन कैंडल्स भी बनना स्टार्ट हो गई लेवल से तो ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट था हमारा बहुत लेट एंट्री मिली आफ्टर टू थर्टी हमें ये एंट्री मिली है पूरे दिन ट्रेड नहीं मिला कोई लेकिन हमें इसी ट्रेड का वेट करना है एग्जैक्टली exactly इस पॉइंट पे आप ट्रेड बना सकते थे और ये बेस्ट एंट्री पॉइंट था प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा डिके ऑलरेडी हो चुके थे क्योंकि टाइम ज़्यादातर जा चुके हैं आज का ओनली लास्ट वन आर बचा है प्रीमियम मैक्सिमम डिके हो चुके थे और उसके बाद क्या आप मूव देखने को मिला है एग्जैक्ट सुपर ट्रेंड से इससे ज़्यादा मैजिकली और क्या चीज़ वर्क करेगी और इससे एक्यूरेट मैं आपको और क्या बताऊँ इससे सिंपल चीज़ नहीं हो सकती मैं डेली आपको ये चीज़ रिपीट करके बता रहा हूँ लास्ट वन वीक से जब से ये न्यूज चल रही है ये सिनेरियो चल रहा है वॉर का मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि सुपर ट्रेंड पर ट्रस्ट करो सुपर ट्रेंड यूज करो और डेली आपको डेली प्रूव कर रहा है वो डेली आपको परफेक्ट रेड देता है डेली इतना परफेक्ट रेड था आप यहाँ से कैच कर सकते थे और मोर देन 600 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला है वन आवर में आप देखिए इससे ज्यादा क्या प्रॉफिट लेंगे आप 600 पॉइंट्स का मूव हमें एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड से देखने को मिला है डे लो से मार्केट डे हाई पे आ जाती है और एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड से डेली बेसिस पे बता रहा हूं मैं आपको डेली बेसिस पे कि करंट मार्केट में कैसे ट्रेड करना है कुछ नहीं सोचना है सुपर ट्रेंड देखना है और उसे यूज़ करना है और उसके बेसिस पे ट्रेड करना है और परफेक्ट एंट्री दे रहा है आपको डेली हम लेवल्स की बात नहीं कर रहे हैं पोजिशनल लेवल जरूर कह रहे हैं लेकिन इंट्राडेम लेवल्स की बात नहीं कर रहे हैं आपको बार बार कह रहे हैं सबसे सिंपल अभी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं करंट मार्केट में वो है सुपर ट्रेंड आपको हर चीज़ बताती है ये ट्रेंड बताएगी आपको सपोर्ट लेवल कहाँ है ये बताएगी ब्रेकआउट आ रहा है वो बताएगी हर चीज़ बताएगा सुपर ट्रेंड आपको ये यूज़ करो बार बार मैं कह रहा हूँ आपको और जो लोग भी ट्रस्ट करके यूज़ कर रहे हैं उन्हें बहुत गज़ब का प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड में बहुत सारे मैसेज आए कि सर सुपर ट्रेंड से फिर जैकपॉट ट्रेड मिला से बैंक निफ्टी में नहीं निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ है आप देखिए ये हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं यहां भी गैप डाउन ओपनिंग ठीक है ट्रेड मिलता ही नहीं है कोई क्योंकि बहुत बड़ा एस एल है, है मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग हुई बाउंस भी आया पर कोई ट्रेड नहीं है हमारे लिए पहली चीज सुपर ट्रेंड सेल साइन चल रहा है कंटिन्यूस फॉल लेकिन हम इस फॉल को कैच नहीं करते नहीं कर रहे हमने कहा था करंटली मार्केट ऐसी है कि हर मूव कैच करना जरूरी नहीं है हमारे सेटअप पे जब मार्केट आएगी तब हम ट्रेड बनाएंगे ये देखिए कैंडल ब्रेक कर रही है लेकिन फिर आप गलत ट्रेड से बच जाते क्या कोई फॉलो अप कन्फर्मेशन कैंडल बनी है नहीं तो नहीं बनता है ब्रेकआउट वाला ट्रेड एंट्री नहीं थी यहाँ पे दूसरी एंट्री का वेट करना है आप देखो डिप आया और यहाँ भी आपको टाइम मिला है सपोर्ट ले रही है मार्केट आपको साइन दे रही है फाइनली ग्रीन कैंडल्स भी बनना स्टार्ट हो गई और फिर ये आप अप मूव डे एंड में कैच कर सकते थे परफेक्टली सुपर ट्रेंड ने दोनों ही जगह वर्क किया है फिर से वेट जरूर कराया आपको पूरा दिन लगा होगा यार ट्रेड ही नहीं मिला आज तो लेकिन ट्रेड मिला और जब मिला तो पूरे दिन में जितना प्रॉफिट नहीं बन सकता था सिंगल ट्रेड में उतना प्रॉफिट मिला होगा आपको क्योंकि प्रीमियम स्लो थे और सडन मूव देखने को मिला है डे एंड में सडन मूव आया है यहाँ भी वन पॉइंट्स का मूव देखने को मिला है और एक्सपायरी से एक दिन पहले आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कैच कर सकते हो इस मूव से तो आप देखो इससे सिंपल कुछ हो सकता है करंट मार्केट सिनेरियो में डेली हम आपको इतनी कन्विक्शन के साथ बता रहे हैं कि इसे यूज करो क्योंकि इसे हमने टेस्ट किया है सालों से और जो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं यूज कर रहे हैं उन्हें जैकपॉट प्रॉफिट हो रहा है हमें हर ट्रेड कैच नहीं करना है मॉर्निंग का डाउन मूव हम क्या ही नहीं रहे हम कैच कर रहे हैं सेल साइन था फिर भी नहीं कह रहे क्योंकि एस एल बड़ा था हमें तो एक्जैक्टली exactly जब लेवल ब्रेक होता है ना तब एंट्री बनाते हैं हम और जब वो ट्रेड मिला हमारे अकॉर्डिंग तो परफेक्ट जैकपॉट ट्रेड था तो दोनों ही जगह निफ्टी बैंक निफ्टी में परफेक्टली सुपर ट्रेंड ने अपने आप को प्रूव किया डेली बेसिस पे कर रहा और सो so, अभी भी सेम आपको बार बार मैं कह रहा हूँ डेली बेसिस पे जो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा हो रहा है और आप अभी भी न्यूज़ पे ट्रेड करना चाहते हैं या रैंडम ट्रेड करना चाहते हैं तो हम हेल्प नहीं कर सकते लेकिन अभी भी यही एडवाइस करूँगा कल है एक्सपायरी बहुत वालाटाइल मार्केट हो सकती है क्योंकि एक्सपायरी भी है न्यूज़ का फ्लो तो कंटिन्यूस चल ही रहा है न्यूज़ को हम कभी ट्रेड कर नहीं सकते हम अपने सेटअप को ट्रेड कर सकते हैं तो देखिए मैं पहली चीज़ आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको कल की एक्सपायरी में ट्रेड करना है ना तो अपने कैपिटल का सिर्फ ट्वेंटी परसेंट यूज़ करो अगर कल की एक्सपायरी के ऑप्शन में ही ट्रेड करना है एग्जाम्पल अगर आपके पास फिफ्टी थाउजेंड कैपिटल है तो 20% परसेंट हो जाता है टेन थाउजेंड कल की एक्सपायरी में अगर आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ टेन थाउजेंड से करो यानी अपने कैपिटल का ट्वेंटी परसेंट सिर्फ उससे ट्रेड करना है अदरवाइज बेस्ट ये रहेगा कि आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करो प्रीमियम में मानता हूँ हाई रहेंगे ठीक है लेकिन प्रीमियम इतनी जल्दी जीरो नहीं होंगे वहां पे कल की एक्सपायरी में ऑप्शन का प्राइस कब 50 60 परसेंट गिर जाए आपको नहीं पता लगेगा बड़े लॉसेस होंगे कल पहली चीज अवॉइड करते बेस्ट है अदरवाइज 20 कैपिटल सिर्फ कल की एक्सपायरी में यूज करना है एंड बाकी ट्रेड आपको लेना ही है तो वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में लो तो कल ध्यान से ट्रेड करना एक्सपायरी है बार बार कह रहा हूं कैपिटल अपना बचा लो ये मार्केट में जो करंट सिनेरियो चल रहा है बहुत वॉलरटाइल मार्केट है इसमें काफ़ी लोगों का कैपिटल जाने वाला है तो ध्यान से ट्रेड करें अपना कैपिटल बचाएं नए हैं तो बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं कोई ट्रेड्स मतलब एटलीस्ट ये वन वीक जाने दो मार्केट को सेटल डाउन होने दो ये सारी न्यूज डिस्काउंट होने दो इन चीज़ों को ठीक होने दो थोड़ा और फिर भी ट्रेड लेना है तो कैसे लेना है बार बार बता रहा हूँ डेली बता रहा हूँ सुपर ट्रेंड सुपर ट्रेंड और सिर्फ और सिर्फ सुपर ट्रेंड वो यूज करो और ट्रेड्स लो इंट्राडे में और कुछ नहीं करना है सिर्फ सुपर ट्रेंड आपकी हेल्प करेगा और यूज करो सिर्फ आपको वो चाहिए इससे सिंपल कोई चीज़ नहीं हो सकती जो आपको ट्रेड दे और इससे बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती कौन आपको डे लो कैच कराता है सुपर ट्रेंड ने आपको दोनों जगह डे लो कैच कराया है बताया यहाँ पे सपोर्ट है यहाँ से बाउंस हो सकता है एग्जैक्टली exactly बाउंस आया जब ब्रेकआउट आया तो फेक ब्रेकआउट था और हमें पता रहता है क्योंकि हम तो कन्फर्मेशन पर ट्रेड करते हैं फेक ब्रेकआउट पर हम तो फंसेंगे ही नहीं आने दो हम अपने सपोर्ट का वेट करेंगे वहाँ से ट्रेड बनाएंगे और कसब का मूव देखने को मिला ठीक है तो कल भी क्या यूज़ करना है बता दिया मैंने सुपर ट्रेंड यूज़ करना है आपको लेवल्स होप आपके पास ऑलरेडी होंगे फिर भी आप इंट्राडे में लेवल्स हम क्या बोलते हैं फिफ्टीज़ के लेवल लेकिन निफ्टी में फिफ्टी पॉइंट का मूव हमें सिंगल कैंडल से भी देखने को मिल सकता है कल तो आप लेवल्स पे कल ट्रेड नहीं कर सकते इसलिए हम आपको लेवल्स नहीं बता रहे हैं इस सीनारियो में बहुत डिफिकल्ट मार्केट है और जो चीज़ आपके लिए थोड़ा सिंपल कर सकती है इस मार्केट को वो है सुपर ट्रेंड बार बार कहूँगा ये यूज़ करो और बाकी आपकी मर्जी है हम कोई बहुत फैंसी यहाँ पे एनालिसिस देने नहीं बैठे कि कि रैंडमली मैं आपको बहुत बड़े नंबर्स बताऊं कि इतना बड़ी रैली है इतना बड़ा फॉल आएगा वो चीज़ हम नहीं करते हैं जो प्रैक्टिकली चीज़ें मार्केट में आपको यूज़ करनी चाहिए जैसे प्रैक्टिकली हमें लगता है मार्केट वर्क करेगी वो आपको एडवाइस करते हैं हाँ बैंक निफ्टी में एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं जब फाइव के मल्टीपल के पास आए मार्केट वहाँ पर आपको एक बार डिसीजन लेना है क्योंकि बैंक निफ्टी में फाइव के मल्टीपल्स वर्क करते हैं और फाइव का गैप काफ़ी डिसेंट हो जाता है तो उसके आसपास आप ट्रेड बना सकते हैं जैसे अगर मान लो मार्केट थर्टी सिक्स थाउजेंड के आसपास ओपन होती है तो थर्टी सिक्स थाउजेंड एक लेवल हो जाएगा थर्टी फाइव फाइव हंड्रेड एक लेवल हो जाएगा थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड एक लेवल हो जाएगा तो इन लेवल्स के जब पास आए ना मार्केट तो आप एक बार ट्रेड बना सकते हो या तो ट्रेड से एग्जिट पॉइंट होगा आपका या आप एंट्री बना सकते हैं अगर किसी साइड ब्रेकआउट हो रहा है कोई लेवल ये आप लेवल फिर भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इनमें गैप है 500 पॉइंट्स का गैप है तो फिर भी इन लेवल्स पे ट्रेड बना सकते हैं अदरवाइज सिंपली सुपर ट्रेंड का वेट करो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाओ इसके अलावा कल की एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करना है सिर्फ ट्वेंटी कैपिटल कल की एक्सपायरी में यूज करो बाकी अगर ट्रेड करना है तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में आपको ऑप्शन को बाय करना चाहिए ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं इसके अलावा जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि बहुत ही रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल डेली आपके लिए एनालिसिस लाते हैं एंड उसे प्रूव भी करते हैं तो बहुत ही गज़ब का एनालिसिस डेली आपको मिलता है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आज की वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय टेक केयर